उदयपुर जिले की सुखेर थाना पुलिस ने मार्बल व्यवसायी पर जानलेवा हमले के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, आपको बता दें उदयपुर जिले के सुखेर थाना क्षेत्र में मार्बल व्यवसायी के साथ जानलेवा हमले के मामले में सुखेर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें हिमांशु सिंह राजावत पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना सुखेर के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया जाकर टीम द्वारा तकनीकी व मुखबिर के माध्यम से अभियुक्त दोनों की तलाशी शुरू की गई। दौरान तलाशी के विक्रम सिंह पिता महेंद्र सिंह सारंगदेवत उम्र 39 वर्ष निवासी रचका कुआ बाठड़ा पुलिस थाना खेरुदा हाल नाकोड़ा नगर प्रताप नगर जिला उदयपुर। दूसरा निर्मल नागदा पिता शंभूलाल नागदा उम्र 29 साल निवासी रेबरिया घोड़ा थाना प्रताप नगर जिला उदयपुर। व तीसरा भगवान सिंह पिता मांगू सिंह राव उम्र 25 साल निवासी कनावदा थाना केलवा जिला राजसमंद को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 24/4/2024 को कपिल सुराणा घर से अपने ड्राइवर के साथ अपनी फॉर्चुनर गाड़ी से मजदूरों को भुगतान करने के लिए नाकोड़ा मार्बल चीरवा जा रहा था कि पीछा कर रहे भोना चौराहे से आगे पेट्रोल के पास एक कार ने अपनी गाड़ी के आगे घड़ी लगाकर स्वयं की गाड़ी के रिवर्स से टक्कर मारी तथा पीछे से आए मोटरसाइकिल पर सवार लोगों ने उनके साथ लोहे के सरियों और गाड़ी के पीछे कांच तोड़ दिए तथा उन पर जानलेवा हमला किया। इस संबंध में उन्होंने सुखेर थाने पर प्रकरण दर्ज कराया था। कार्यवाही करने वाली टीम में हिमांशु सिंह राजावत पुलिस निरीक्षक, ओंकार सिंह उप निरीक्षक, जगदीश सिंह हेड कांस्टेबल, धनराज कांस्टेबल, अचलाराम कांस्टेबल, भारत सिंह कांस्टेबल, इन सभी का सराहनीय योगदान रहा। कुछ दिन पूर्व एक मार्बल व्यवसायी हैं कपिल सुराणा, उनके साथ कुछ व्यक्तियों के द्वारा जब वे अपने ऑफिस आ रहे थे तो सुखेर थाना अंतर्गत कुछ युवकों के द्वारा पीछा कर उन पर एक जानलेवा हमला किया। उस हमले में उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई और लूटपाट भी हुई। वो घटना गंभीर थी। कुछ प्रकरण उस घटना पर हमने तुरंत एक आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश की। कल हमने इस क्रम में 3 आरोपियों को विक्रम सारंगदेव, निर्मल नागदा और भगवान राव, 3 आरोपियों को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपियों से हम पूछताछ कर रहे हैं। संपूर्ण घटनाक्रम में अभी तक की पूछताछ में कपिल सुराणा और इन आरोपियों का पूर्व में जमीन के विवाद को और जमीन विवाद के साथ साथ कुछ अन्य मामलों को लेकर के भी आपस में विवाद रहा है। किस यह संपूर्ण घटनाक्रम में किन व्यक्तियों का हाथ रहा है, किन व्यक्तियों ने इन्हें इस अपनी षड्यंत्र में शामिल किया है, उस बारे में हम इनसे डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। सर, देखिए FIR में बिल्कुल उनका नाम है, बट मैंने जैसे आपको कहा कि इस संपूर्ण घटनाक्रम में क्या योजना थी, किसका षड्यंत्र था और इनके पीछे किन लोगों का हाथ था, उस बारे में हम इनसे डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। और जो भी जिस घटनाक्रम में संलिप्त था, जिसने भी इस घटना को अंजाम देने में चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता दी है, हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वही मैंने आपको कहा कि अभी ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि अभी चूंकि हमने रात में ही इनको गिरफ्तार किया है और इस संदर्भ में हम डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ से जो भी वस्तुस्थिति सामने आएगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।